नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और ये कार्यक्रम है खरी बात नो बकवास। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2012 के उस कांड की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, झकझोर कर रख दिया था, देश में जैसे एक भूचाल सा आ गया था उस घटना के बाद। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्भया रेप कांड की। वो बहुत ही एक दर्दनाक हादसा रहा, उबरने में पूरे देश को वक्त लगा। अभी भी वो कई बार रह रहकर वो जो घटना है वो लोगों के मन में टीस मारती है। हालांकि उस घटना के बाद कई सवाल उठे कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और तमाम और भी ऐसे बलात्कार विरोधी कानून लाने की बात की गई, लेकिन जो उसका फल निकला है, जो रिजल्ट है, वो क्या है, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ आज। 2013 में निर्भया गैंगरेप के बाद निर्भया फंड की शुरुआत की गई थी। ये एक अच्छी पहल मानी गई थी। पूरे विश्व का ये जो मामला बन गया था, विरोध प्रदर्शन हुए, यौन हिंसा के खिलाफ सख्त बलात्कार विरोधी कानून लाने की बात की गई, सर्वाइवर के मेडिकल एग्जामिनेशन और काउंसलिंग के लिए सख्त गाइडलाइंस भी सामने लाने की बात की गई। फंड की जो शुरुआत है वो इसी उद्देश्य से की गई कि बदलाव आएंगे, लेकिन सब कुछ अभी तो यही लगता है कि दूर की बात है, क्योंकि जो परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कुछ ऐसे हैं कि हमें सोचने को मजबूर कर देंगे। यह फंड लंबे बदलावों को लाने के लिए था, लेकिन ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है और उस रिपोर्ट में पाया गया है कि रेडकैपिज्म, अंडरस्पेंट, ऑब्स्क्योर एलोकेशन एंड अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, यानी कि लाल फीताशाही, कम खर्च, अस्पष्ट आवंटन और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण निर्भया फंड को जो है वो कम कर दिया गया है। ना सिर्फ इस फंड को कम किया गया है, बल्कि ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो क्या बताते हैं कि ज्यादातर फंड जो है वो देश के गृह मंत्रालय को गया है। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री जो कि आप जानते हैं कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था और ये सब पे काम करने का ये मंत्रालय काम करता है, जो पुलिस की देखरेख का काम करती है ये मिनिस्ट्री। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, ऑक्सफैम इंडिया की अमिता पित्रे कहती हैं कि बड़े पैमाने पर जिन कार्यक्रमों के लिए भुगतान किया गया है निर्भया फंड की ओर से, वो है आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में सुधार, फोरेंसिक लैब को अपग्रेड करना या साइबर अपराधों से लड़ने वाली इकाइयों का विस्तार करना। जो विशेष तौर पे, यानी कि ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम, वो महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। तो निर्भया फंड का जो बहुत ज्यादा हिस्सा है वो रेलवे से लेके सड़क पर बिजली और प्रकाश व्यवस्था, यानी वो लाइटिंग के लिए और बिजली के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया गया है। अधिक सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और यहाँ तक कि वाहनों में पैनिक बटन को लेकर एक परीक्षण किया जाना था, उसके शोध के लिए भी इसमें से फंड जो है वो जारी किया गया, निर्देशित किया गया। तो ये जो आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी इस फंड को लेकर निर्भया कि माँ ने भी बार बार सवाल उठाए हैं कि इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए वहां तक ये फंड नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप एक नजर दौड़ाएं, देखें कि गृह मंत्रालय के अलावा किन किन मंत्रालयों के पास ये फंड पहुंचा है, और फिर जो मंत्रालय है वो कितने लंबे समय से जैसे फंड को लेकर बैठे हुए हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल, उसको खर्च, उसको सही जगह लगाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, इसमें उन्होंने इसको खर्च नहीं किया है। तो सरकारी विभाग और अधिकांश राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर नकदी पर जैसे कब्जा करके रखा हुआ है उन लोगों ने। उनको फंड जाता है लेकिन वो फंड लेके बैठे रहते हैं। एक नजर आप दौड़ा सकते हैं इस चार्ट पर, इसको देखिए आप। उदाहरण के लिए देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही काम करता है, 2019 तक प्राप्त होने वाले धन का केवल 20% इस मंत्रालय ने इस्तेमाल किया है, जो कि 2013 के बाद से कुल निर्भया फंड के खर्च का 1/4 हिस्सा ही है।
तो ये जो राशि ये मंत्रालयों को जाती है सही जगह इस्तेमाल करने के लिए, काम के लिए, एक मकसद से, एक उद्देश्य से, क्या इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? पैसे का इस्तेमाल बलात्कार के लिए क्राइसिस सेंटर स्थापित करने के लिए किया गया, घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिलाओं के लिए आश्रय, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन, इन सब जगहों पर इनका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जिस चीज के लिए इस फंड को आवंटित किया जाता है उसका वो सही इस्तेमाल हो सके। तो उदाहरण के तौर पर और भी मंत्रालय आप देख सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज के पास फंड का हिस्सा जैसे ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब कई एनजीओज ने बार बार ये सवाल उठाए हैं कि जैसे अगर एक महिला लखनऊ पुलिस स्टेशन पर लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में जाती है, आधे घंटे तक इंतजार करती है और इंस्पेक्टर वहां बैडमिंटन खेलने में व्यस्त दिखते हैं और जब अंत में बातचीत पर सहमत होते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का मामला है, इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता या कानून शामिल नहीं हो सकती। उसी तरह एक महिला जाती है अपने ससुर के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस अधिकारी ये कहकर उसको वहां से हटा देते हैं कि बलात्कार के आरोपों को दायर करने से ये मामले जो हैं ये चूंकि परिवार का मामला है इसलिए ये बलात्कार विरोधी कानून के तहत नहीं आते। तो इस तरह के जो मामले हैं मुझे लगता है कि जरूरी है कि इतने जो फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जो फंड दिया जा रहा है उस फंड का भरपूर इस्तेमाल हो और एक माइंड सेट बदलने के लिए, क्योंकि आप जो योजनाएं शुरू कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिमाग को बदलना, सही सोच रखना, क्योंकि ये अपराध तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। तो अब आप देखिए कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे खरीदने की तुलना में रवैया बदलना अधिक महंगा और कठिन है। जो बात मैं अभी आपसे कह रही हूं कि रवैया, सोच, उसको बदलना ज्यादा मुश्किल काम है और उसका इस्तेमाल इसी तरह होना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। अब आपको मैं एक चार्ट ये भी दिखाना चाहूंगी। ये आप देखिए, राज्य सरकारों को जो फंड दिया गया है निर्भया फंड, उसका राज्य सरकारों ने किस तरह से इस्तेमाल किया है, इस पर भी आप एक नजर दौड़ाएं। तो ऑक्सफर्म इंडिया ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि निर्भया फंड ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए 8 साल पहले घोषणा की थी, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है या उनका शोषण करता है, और तो महिलाओं को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये सेवाएं देने के लिए। लेकिन ये जहां जहां ये फंड इस्तेमाल किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा या कई मंत्रालयों के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किए गए, तो महिलाओं के हित के लिए इस फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि पूर्व वित्त मंत्री 2013-14 में बजट में पी चिदम्बरम जी ने इस फंड की शुरुआत की थी और निर्भया का सामूहिक बलात्कार होने के बाद इसकी घोषणा की थी कि ये जो फंड है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तब उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा देने के लिए, उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की थी। हालांकि ऑक्सफर्म इंडिया ये कहती है कि ये जो फंड है ये सफिशिएंट नहीं है, इसको बेसिकली होना चाहिए $1.3 बिलियन। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो फंड की राशि वैसे ही बहुत कम है और अगर कम है तो भी उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो सही जगह नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक खुलासा ऑक्सफर्म इंडिया की रिपोर्ट में किया गया है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसानी सोच को बदली जाए और सही जगह फंड का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सिर्फ योजनाएं शुरू कर देने से, राशि आवंटित कर देने से मकसद हासिल नहीं किया जा सकता है, जरूरी है सोच बदलना। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।